हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ आलू और टमाटर की सब्जी, बिल्कुल शादियों के जैसी, जैसे शादियों में हलवाई बनाते हैं। उसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है आलू और टमाटर की सब्जी, बिल्कुल नए और बिल्कुल अलग ढंग से। आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 आलू। आलू को मैंने इस तरह से काट लिया है, ये बॉयल आलू हैं, और एक बॉयल आलू को मैंने, देख रहे हैं आप, ग्रेट कर लिया है, ग्रेट करके रख लिया है। और ये मैंने सूखे मसाले लिए हैं, सूखे मसाले के अंदर तेज पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी और लौंग, ये हरे धनिया की पत्तियां हैं, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच देगी मिर्च है, ये हमें कलर के लिए चाहिए, ये तीखी नहीं होती ज्यादा। 5 मैंने आलू लिए हैं और 5 ही मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। 1 चम्मच नमक टेस्ट अनुसार डालेंगे हम। 1 बड़ा चम्मच दिया है गरम मसाला। थोड़ी सी ये हींग ली है मैंने, कसूरी मेथी, सूखी मेथी जो होती है, ये मैंने लिया है धनिया पाउडर, और ये लिया है जीरा, और ये हमें लिया है ऑयल। सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर डाल लेना है हल्दी, गरम मसाला, देगी मिर्च, हींग और ये धनिए का पाउडर जो है, 1 चम्मच हमने कम से कम डालना है धनिया पाउडर। इन सब मसालों को मैंने थोड़े से पानी के अंदर सोक कर देना है, इसमें पानी डालते हुए सोक कर देंगे ताकि मसाले जो हैं वो पूरी तरह से फूल जाएं, और घी के अंदर मसाले के जलने का डर नहीं रहता इस तरह से, और ग्रेवी जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। शादी के अंदर जो आलू बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं। इस तरह से हमने मसाले जो हैं सोक कर दिए हैं। इसे हमने 5 मिनट तक इसी तरह भिगो के रखना। गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई रख दिया है, इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, घी में भी ये अच्छे बनेंगे, देसी घी में, सरसों के तेल में भी बना सकते हैं और किसी भी कुकिंग ऑयल के अंदर भी बना सकते हैं। मैं कुकिंग ऑयल यूज कर रही हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे तेज पत्ता, लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग और जीरा। बहुत ही स्पेशल है ये आलू की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। थोड़ा सा इनको फ्राई होने दें, सूखे मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई होने दें। आप देख रहे हैं कि जीरे का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोक किए हुए मसाले। आप देख रहे हैं कि इस तरह से मसाले डालने से मसाले जो हैं बिल्कुल भी जलने का डर नहीं रहता और कलर बहुत ही अच्छा आता है। फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर आया है इसका। इसे हमने अच्छे से भून लेना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसे भूनने में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। आप देख रहे हैं कि तेल बिल्कुल अलग होने लग गया है मसाले के अंदर से। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटो प्यूरी, जो ब्लेंड किए हुए टमाटर हैं हमने डाले हैं। इसे हमने मिक्सर के अंदर अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। फ्लेम हमने हाई कर दी है। टमाटर को 1 या 2 मिनट के लिए भूनने दें मसालों के साथ, टमाटर अच्छे तरह से भून जाए। मैंने इसके अंदर अदरक नहीं डाली, आप चाहें तो अदरक ग्रेट करके डाल सकते हैं। टमाटर जो है हमारा भुना जा चुका है, इसके अंदर हम डालेंगे नमक, और साथ ही हमने इसके अंदर डालनी है मेथी, सूखी मेथी को क्रश करके डालना है, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्रेट किए हुए आलू। आप देखेंगे कि प्याज लहसुन अदरक के बिना ये सब्जी कितनी अच्छी और कितनी गाढ़ी बनती है। अब हमने आलू के पीसेस इसमें डाल देने हैं। 1 मिनट के लिए हमने आलू को मसाले के साथ कुक कर लेना है। आप देख रहे हैं कि कलर कितना अच्छा आया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज्यादा हमने पानी नहीं डालना क्योंकि ये गाढ़ी ही अच्छी लगती है सब्जी। इस पानी को हमने 2 मिनट के लिए पका लेना है हाई फ्लेम पर। आप चाहें तो ढक सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप ऐसे भी इसको बॉईल कर सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, आप देख रहे हैं कि आलू की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हुई है। इसे इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हरा धनिया। हरे धनिया के बिना तो सब्जी का बिल्कुल भी ग्रेस नहीं होती, बहुत ही अच्छी लगती है हरे धनिया से सब्जी। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए।
ये हमारी आलू टमाटर की मजेदार सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट, हल्का सा हरा धनिया डालते हुए हम इसे इस तरह से सर्व करेंगे। आप इसे पूड़ी के साथ, परांठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ आप सर्व कर सकते हैं। साथ में दही हो, बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगे हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप इसे इसी प्रोसेस के साथ ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।